जनजातीय क्षेत्र भरमौर के ऊंचाई वाले गांव में वीरवार को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार भरमौर के दूर दराज गाँव कुगती, कवारसी, उरना करौंडा सहित कई गाँव में बर्फबारी का दौर जारी रहा, तो वहीं निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश व बर्फबारी के कारण जहां किसान खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बागवानों के लिए चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस समय बर्फबारी व अत्यधिक बारिश सेब के बगीचों के लिए अच्छी नहीं है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह से भूस्खलन की खबरें भी आ रही है। वहीं भरमौर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कहा है कि पर्यटक अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर रुख ना करें। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यहां पर एकाएक ठंड भी बढ़ गई है। वहीं लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। अत्यधिक बारिश बर्फबारी के कारण लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्र भरमौर के पांगी में भी ताजा 1 इंच से लेकर 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं पांगी में लगातार ग्लेशियर आने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। जनजातीय क्षेत्र भरमौर के ऊंचाई वाले गांव में वीरवार को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार भरमौर के दूर दराज गाँव कुगती, कवारसी, उरना करौंडा सहित कई गांव में बर्फबारी का दौर जारी रहा, तो वहीं निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश व बर्फबारी के कारण जहां किसान खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बागवानों के लिए चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस समय बर्फबारी व अत्यधिक बारिश सेब के बगीचों के लिए अच्छी नहीं है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह से भूस्खलन की खबरें भी आ रही है। वहीं भरमौर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कहा है कि पर्यटक अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर रुख ना करें। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यहां पर एकाएक ठंड भी बढ़ गई है। वहीं लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। अत्यधिक बारिश बर्फबारी के कारण लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्र भरमौर के पांगी में भी ताजा 1 इंच से लेकर 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं पांगी में लगातार ग्लेशियर आने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। भरमौर से OP शर्मा की रिपोर्ट।